बायोलॉजी का कट ऑफ क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन में सबसे पहले बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन के बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए जिसके थ्रू आप लोग भी डॉक्टर बन सकते हो तो स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ का जो एग्जामिनेशन होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है जिसको आपको क्लियर कर लेते हो और आपका फिफ्टी फाइव से ज़्यादा परसेंटेज आता है तो आप नीट एग्जामिनेशन देते हो और उसको क्लियर करने के बाद आप एम कर सकते हो तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है कि आप बायोलॉजी का कट ऑफ कैसे रहेगा एग्जामिनेशन में तो क्लास ट्वेल्थ में सबसे जो पहला यूनिट आता है वो आता है यूनिट वन रिप्रोडक्शन का जो है ठीक है उसमें चार चैप्टर्स हैं पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है जिसमें कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसमें से आपको 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है हर ईयर का मैं आप लोगों को बता रही हूँ एवरेज लेकर के हर ईयर का एवरेज 14 मार्क्स का आता है जिसमें कि आपसे इन चारों में से किसी में से पूछ सकता है डिवाइडेड मार्क्स रहता है मे बी आपसे इसमें फोर मार्क्स का पूछते दे सिक्स मार्क्स का आपसे इसमें पूछते दे सेवन मार्क्स का इसमें पूछ दे कैसे भी हो सकता है लेकिन मेन है टॉपिक वाइज यूनिट वन प्रोडक्शन आता है फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन सेकेंड सेकेंड आता है यूनिट टू है हमारा जो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ठीक है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ जाता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में तो इसको हम कट कर देते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें आप मंडलीफ्स लॉ ये सब चीज़ पढ़ते हो सिक्स चैप्टर है आपका मलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सेवेंथ है आपका एवोल्यूशन तो ये सारे चैप्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब कि यूनिट टू जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में तीन चैप्टर्स हैं ठीक है रिप्रोडक्शन में फोर चैप्टर्स आपको मिलेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपको थ्री चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें से कि आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और बिलीव मी स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से ही पूछा जाता है हर ईयर नीट एग्जामिनेशन में भी और बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन तो जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ट्वेल्थ बोर्ड के लिए तो उसी में आप नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो कि आपको नीट में भी अच्छा मार्क्स आ जाए तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिट थ्री तो यूनिट थ्री में आप है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ठीक है इसमें आपके तीन चैप्टर्स आ जाते हैं ठीक है थ्री चैप्टर्स आपके आ जाते हैं पहला आपका हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड नेक्स्ट है उसका चैप्टर नंबर टेन है जो आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो ये भी आपसे फोर्टीन मार्क्स का पूछा जाता है सेम एज रे यूनिट उसके बाद है आपका यूनिट नंबर फोर जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में से आपसे बारह मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से जो दो चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है ठीक है दो चैप्टर्स हैं इसमें चैप्टर नंबर इलेवन आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर ट्वेल्व है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बता रही हूं ताकि आपका दोनों में अच्छा परसेंटेज उठे नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर फाइव इकोलॉजी तो इकोलॉजी से आपसे बारह मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ठीक है बारह मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चैप्टर थर्टीन आपका हो गया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड फोर्टीन हो गया इको सिस्टम फिफ्टींथ है डायवर्सिटी एंड कंस्टिट्यूट सिक्सटीन है इन्वॉर्मेंटल इशू तो आपका ये टोटल अगर आप ऐड करोगे एटीन फोर्टीन फोर्टीन ट्वेल्व ट्वेल्व तो आपका सेवेंटी आ जाता है ठीक है एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल आपका सेवेंटी मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन का और नीट एग्जामिनेशन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी मार्क्स का होता है जिसमें से आपको अच्छा परसेंटेज उठाने के लिए जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ठीक है रिप्रोडक्शन यूनिट भी बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट है तो वो भी आप कवर कर सकते हैं और इको सिस्टम भी ईजी है तो उसको आप कम्प्लीट कर सकते हैं बाकी सारे चैप्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उस पर भी आप फोकस बनाए रखिएगा तो स्टूडेंट्स ये था कट ऑफ टोटल बायोटेक्नोलॉजी का और सारे चैप्टर्स का जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम